गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कैंटन। सो गाइज यहाँ पर आया है लोहा, और लोहा किस लिए आया है वो भी बता देती हूँ आपको। कुछ लोहा हमारे घर पे था, जैसे कि कूलर के स्टैंड होते हैं उसका, और मतलब था कुछ तो पहले वाला भी था वहाँ पर आपको दिख रहा है वो भी था, बट हमें और लोहा चाहिए था क्योंकि स्टैंड बनवाना है, जो क्या बोलते हैं पॉट रखने के लिए, जो गमले रखने के लिए, तो उसके लिए हमें स्टैंड बनवाना है। और वो उस दिन भैया आए और थोड़ा सा काम किया और चले गए जल्दी से, फिर उसके बाद आए नहीं एक दिन, दूसरे दिन अभी आए तो फिर बोला कि अभी थोड़ा सा लोहा कम पड़ेगा, तो इसी वजह से ये उनके साथ गए थे और ये लोहा बुक किया था। तो ये भैया आए और लोहा दे के चले गए, तो जो भी लोहा बुक किया था। तो ये पट्टियाँ होती है और इसमें एक रॉड भी है, जो मैं आपको बताऊंगी बाद में कि क्या चीज़ के लिए है ये रॉड और क्या चीज़ के लिए ये पट्टियाँ है, सब कुछ आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा। आपको कितने दिन है? हाँ, गाइस काफ़ी दिन हो गए, मैंने फेस पैक अप्लाई नहीं किया है, काफ़ी दिनों से काम काम ही चल रहे थे और सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है कि फेस पैक वगैरह अप्लाई करूँ, स्किन केयर अच्छे से करूँ। स्किन केयर तो मैं कर लेती हूँ, बट फेस पैक अप्लाई करने का टाइम नहीं होता है, उसको सुखाने के लिए वेट करना पड़ता है, तो इसी वजह से आज मैंने सोचा फेस पैक अप्लाई करती हूँ। और मैं यूज कर रही हूँ ये वायम आयुर्वेदा का फेस पैक, इतना ज्यादा अच्छा है गाइस फेस पैक, और उसमें आयुर्वेदिक है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, डेफिनेटली आपको सूट करेगा। और उसमें आपको इस तरह का पाउच मिल जाता है, मैंने काफी सारा यूज किया है इसमें से। और ये जो कंटेनर है आपको स्टील का मिलता है, आप देखो कंटेनर स्टील का मिलता है। अगर आपका ये खत्म हो जाता है फेस पैक, इसका ये ऊपर का रैपर निकाल दो और आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हो। और इसमें आपको स्पून भी मिलता है, मतलब छोटा सा ये वुड का स्पून, तो इस तरह से। और ये फेस पैक आपको इसमें मिलता है, हल्दी और चंदन है इसमें, तो इससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करेगी, इससे आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और फेयर भी दिखेगी। तो काफी ज्यादा अच्छा फेस पैक है, एक बार जरूर ट्राई करना। और अभी आप परचेस कर सकते हो क्योंकि अभी सेल चल रहा है, मानसून मिनिया सेल, तो अभी 8 जुलाई से 14 जुलाई तक मानसून मिनिया सेल चल रहा है, उसमें आपको अप टू 50% ऑफ मिल जाएगा। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी आपको मिल जाएगा। गेट 100 मेरा कूपन कोड है, वो यूज करना मत भूलिएगा। अगर आप 100 के ऊपर की शॉपिंग करते हो या मिनिमम 700 की शॉपिंग करते हो तो आपको फ्लैट 15% ऑफ भी मिल जाएगा। उसमें आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, PRNY ये कोड है, उसे यूज करना है आपको, उसमें आपको फ्लैट 15% का ऑफ मिल जाएगा। और काफी अच्छा अच्छा डिस्काउंट चल रहा है गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिस्काउंट दे दिया है कौन सी चीजों पे कौन सा ऑफर चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। और अगर आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे जो भी प्रोडक्ट मैं अभी यूज करने वाली हूँ। तो चलिए मैं इसे अप्लाई करती हूँ, अब इसमें ही मैं निकाल लेती हूँ थोड़ा सा फेस पैक, और बस चम्मच से निकालने की जरूरत नहीं है, चम्मच से सिर्फ मिक्स करना है। और उसमें मैं यूज करने वाली हूँ ये वायम आयुर्वेदा का ही प्योर रोज वाटर, काफी अच्छा रिजल्ट है गाइस फेस पैक का, ट्राई जरूर करना। अगर आपको फेयर स्किन चाहिए, अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, और या अगर आपको क्या बोलते हैं बेदाग स्किन चाहिए, तो इसे जरूर ट्राई करना। स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि ये जो रोज वाटर है स्प्रे बॉटल में आता है, डायरेक्ट स्प्रे भी कर सकते हो आप इससे, और अगर फेस पैक में मिक्स करना है तो फेस पैक में मिक्स भी कर सकते हो, प्योर रोज वाटर है गाइस ये। तो चलिए फेस पैक तो बन गया है मेरा, अभी इसे अप्लाई करने का टाइम आ गया है, इसे अप्लाई कर लेती हूँ और काफी अच्छी ग्लोइंग स्किन हो जाती है इससे, मुझे तो इसका रिजल्ट काफी ज्यादा पसंद है, बट टाइम ही नहीं मिल पाता है ज्यादा, आजकल टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं अच्छे से अपना स्किन केयर करती हूँ हमेशा, सुबह का ऐसे ही फेस वॉश कर लेती हूँ, कभी कभी स्क्रब कर लेती हूँ, और बस फेस पैक वगैरह लगाने का और सुखाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है आजकल मुझे, तो आज मैंने टाइम निकाल लिया क्योंकि दिनों मेरा ऐसे ही हो रहा है कि जल्दी जल्दी करो, अपना काम खत्म करो, बस क्लीनिंग करो, उसके बाद अपना रूटीन में लग जाओ। फेस पैक अप्लाई कर लिया है मैंने, और हाँ सेल का फायदा जरूर उठाइए, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है इन दोनों प्रोडक्ट का, तो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, ऑफर चल रहा है तो ऑफर का फायदा उठाइए। कुछ भी प्रोडक्ट अगर आपको परचेस करना है तो इस सेल में आप परचेस कर सकते हो, काफी अच्छे अच्छे डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे डिस्काउंट आपके लिए दे दिए हैं।
गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉन्क कैंचन। सो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपने अपने घर पे सेफ होंगे। और गाइज, मैं भी अच्छी हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। सब काम चल रहा है, बस वही है। अभी मैं बनाने आई हूँ चाय इनके लिए, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना है, जल्दी से चाय बना के दे देती हूँ। अल्टर के लिए स्टैंड बनाने के लिए भी आने वाले हैं भैया, जो भी काम होगा आज वो भी दिखा दूंगी आपको क्या क्या काम होने वाला है। और आपने जो चीज मुझे बताई थी काफी दिन पहले, आपको अगर याद होगा तो वो चीज मैं आज बनाने वाली हूँ, मतलब बनवाने वाली हूँ, सॉरी। तो वो भी चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए, मैं अब भी पहले किचन के काम समेट लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइज, यहाँ पर चल रहा है वही काम जो मैंने आपको बताया कि स्टैंड का काम चल रहा है यहाँ पे। और यही भैया पीछे रॉड भी लगा के देने वाला है कपड़ों के लिए। और आप लोगों ने काफी दिन पहले बोला था मुझे कि दी रॉड लगवा लेना, वो जो क्या बोलते हैं रस्सियाँ है अच्छी नहीं दिखती है, तो रॉड लगवा लेना। तो मैंने सोचा चलो रॉड लगवा लेते हैं इस बार, अभी काम चल ही रहा है। काफी दिन से सोच रही थी, बट उस छोटे से काम के लिए लोग नहीं आते हैं डियर, मतलब आते हैं बट वो हमें लगता है कि यार इस छोटे से काम में बहुत ज़्यादा पैसा चले जाएगा, तो एक काम के साथ दूसरे काम हो जाते हैं ना, तो इतना नहीं लगता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने अभी साथ में ही काम करवा लिया। और जो पीछे बड़ा सा रॉड दिख रहा है आपको, वो रॉड अरे यार महंगा बहुत ज़्यादा आया है, वो 1000 रुपीज़ का एक रॉड ही आया है। मुझे नहीं लगा था कि इतना महंगा आएगा। वैसे अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही होगा कि मेरे पास स्टैंड भी है, मैं स्टैंड भी यूज़ करती हूँ। घर के अंदर वगैरह डालना है कपड़े या बारिश वगैरह हो रही है तो कपड़ों का स्टैंड यूज़ कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छा स्टडी वाला स्टैंड भी है मेरे पास। और अभी आप लोग बोल रहे हो कि बाहर जैसे कि धूप आती है ना, तो बाहर सुखाने में अच्छा होता है, और स्टैंड अगर बाहर रखो ना ज़्यादा धूप में रखो तो स्टैंड खराब हो जाता है। इसी वजह से मैं स्टैंड बाहर ज़्यादा रखती नहीं हूँ, तो इसीलिए ये रॉड लगवा लिया, क्योंकि रॉड को तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये रॉड ऐसा लाया है, इसे रस्ट नहीं लगने वाली है, मतलब जंग वगैरह नहीं लगेगा इसे, तो इसी वजह से हम लोगों ने ये लाया। क्योंकि अगर वो लोहे का लाते ना तो उसे जंग वगैरह लगने का प्रॉब्लम होता है और उससे कपड़े ख़राब होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा महंगा आया है ये वाला रॉड। और भैया मुझे पूछ रहे थे कि यहाँ पर ये यहाँ से लूँ या फिर थोड़ा सा ऊपर से लूँ, तो ऊपर से लेते तो खिड़की आती और नीचे से ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर से तो मैंने डोरी टांग दी है, क्योंकि डोरी इसी वजह से टांगी है कि थोड़ा सा कपड़ों के भार से वो नीचे आ जाती है कपड़ों की वजन से। तो अगर रॉड होता है तो रॉड तो नीचे ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो बीच में विंडो में आ जाएगा वो रॉड। तो वही मैं बता रही थी उन्हें कि थोड़ा सा नीचे करो ताकि विंडो में ना आए, विंडो के बीच में ना आए। तो उन्होंने नीचे किया और रॉड देखना बाद में कितना अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा महंगा लगा मुझे, क्योंकि मुझे इतना लगा नहीं था। मुझे लगा था कि 400-500 रुपये में हो जाएगा ये काम, बट 1000 रुपीज़ का तो रॉड ही आया है। उसके बाद उनको मजदूरी देनी पड़ी, उसके बाद ये क्या बोलते हैं एंगल वगैरह उन्होंने बनाए, तो ये सारी चीज़ें उसमें मुझे तो लगता है कि 1500 रुपये तो चले ही गए होंगे, मतलब उनकी मजदूरी वगैरह इसके चक्कर में। तो बस क्योंकि साथ में काम हुआ है तो इतना यही पता चलता है कि किस चीज़ के लिए सेपरेट पैसे इतने लिए हैं और किस चीज़ के लिए कितने हुए हैं। ऐसे अगर आप एक काम करते हो तो आपको अच्छे से पता रहता है। मैं रॉड का रेट बता सकती हूँ आपको, मजदूरी वगैरह नहीं बता सकती हूँ। तो उन्होंने बीच में सपोर्ट देने के लिए किया है, क्योंकि रॉड बहुत लंबा है इसीलिए, और काफ़ी सारे कपड़े आ जाएंगे इसमें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। और मुझे रस्सी वगैरह टूटने का टेंशन भी नहीं रहा है, अभी इसे कलर करवा लूँगी, मतलब ये जो नीचे वाले रॉड है उसे एंगल है सॉरी उसे कलर करवा लूँगी, और बस रेडी हो जाएगा मेरा कपड़ों वाला स्टैंड। और कपड़े डाल भी दिए थे मैंने थोड़ी देर के बाद, कपड़े जब वॉश किए थे ना उसके बाद मैंने कपड़े डाल भी दिए थे उस पर। और ये वाला ऊपर का शेड मैं दिखा नहीं पाई आपको, इसके ऊपर भी शेड लगाया है वहाँ पर, यहाँ पर ना नीचे जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वहाँ पर कपड़ों का वो क्या बोलते पत्थर है कपड़े धोने का, तो अगर ज़्यादा भारी वगैरह कपड़े हैं तो वहाँ पर धो सकते हो। और अगर कपड़े धोने के लिए मेड आती है तो वो भी वहाँ पर धो सकती है। मेरे घर पे जब कपड़े धोने के लिए मेड आती थी तब वो वहाँ पर ही धोती थी, मतलब जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वहाँ पे। और बस यहाँ पर रेडी हो गया है हमारा स्टैंड, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी इसे ना वो करना है, प्राइमर वगैरह लगाना है, उसके बाद पेंट करना है, पेंट करने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसके ऊपर जो पॉट आएंगे ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। हम लोग वो गाड़ियाँ वगैरह रखी है ना वहाँ पर, थोड़ा सा अभी मेस है वो उठाना है और उसके बाद वहाँ पर ये रखना है। तो अभी सबसे पहले तो इसका कलर ही होगा, पता नहीं अभी वो पेंटर भैया को बुलाया है वो आएंगे या नहीं आएंगे कल, तो ये तो नहीं पता, बट इसका पेंट होगा तभी जाके हम लोग वहाँ पर रखेंगे ये।
और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। मुझे तो यार अभी ऑर्गेनाइज लगेगा सब कुछ, क्योंकि ऐसे ही मेरे पॉट पड़े थे और आप लोग भी बोल रहे थे कि दी ये बनवा लो, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आ ही गया था, बट आप लोगों ने बोला तो अच्छा लगा, और कि मेरा और आपका दिमाग सेम ही चलता है। तो फिर चलो कोई बात नहीं, अभी ये बन गया है और ये रखने के बाद तो और भी अच्छा लुक आने वाला है, क्योंकि जो मेरे पॉट्स वॉट्स है वो वहाँ पर फैले हुए नहीं लगेंगे, अच्छे से ऑर्गेनाइज लगेंगे। और बस यहाँ पर खाना खिला रही हूँ अद्विक को, और मैं भी खा रही हूँ साथ साथ में। और आप लोग पूछते हो कि क्या खा रही हो आजकल, आजकल ना एक्चुअली मैं थोड़ा सा डाइट तो नहीं बोल सकती हूँ, बट मैंने रोटी बंद कर दी है खाना, रोटी नहीं खाती हूँ, ज्वारी की रोटी खाती हूँ। ज्वारी की रोटी और उसमें ज्वारी और मूंग मिक्स करती हूँ, उसके साथ फ्लैक्स सीड्स वगैरह, और वो पीस के लाती हूँ और वही रोटी खाती हूँ। ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर पा रही हूँ कामों के चक्कर में, तो जो भी हो रहा है मैं आपके साथ तो शेयर कर ही रही हूँ, और कुछ ले रही हूँ थोड़ा सा साथ में, तो उससे मुझे हेल्प मिल रही है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग करने के लिए, और उससे मुझे थोड़ा सा फ़ायदा लग रहा है, तो बस वही ले रही हूँ। ज़्यादा स्ट्रिक्ट वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ, ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं, तो ये नहीं कर पा रही हूँ, डाइट नहीं कर पा रही हूँ, बट जब करूँगी ना तब आपके साथ पक्का शेयर करूँगी। अभी ये सब कुछ काम ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं करूँगी जल्दी से। वेट ज़्यादा ही पुट ऑन हो रहा है, और जब अपना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है अपने ऊपर, जब अपना ध्यान अपने से निकल जाता है, दूसरे ही कामों में लग जाता है ना, और अच्छे से प्रॉपर नींद नहीं हो पाती है, तब अपना वेट गेन होता ही है, ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। और यहाँ पर बस कपड़े डाल दिए हैं, और कुछ कपड़े ना पहले के भी थे इसमें यार, कल तो मेरा ध्यान ही निकल गया था इसमें से, वो क्या बोलते हैं पॉट पेंट करते करते और पॉट को बनाते बनाते सारा ध्यान निकल गया था मेरा इस पे से, तो मैंने दूसरे कपड़े भी इसमें डाल दिए हैं, और कल के कपड़े भी निकालना बाकी था, तो मतलब ड्रेन कर लिए थे और वैसे ही छोड़ दिए थे, भूल गई थी कि इसको निकालना है करके, तो अभी ये निकाल देती हूँ, ड्राई कर लेती हूँ, और यही कपड़े अभी बाहर सुखाने के लिए डाल देती हूँ। और आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं है यार, बिल्कुल भी धूप नहीं है, आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और बारिश होने के चांसेस है, तो आप देखो मौसम कितना ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल धूप नहीं है, ऐसे हल्की हल्की सी धूप है, बस इसी में डाल देती हूँ ये सारे कपड़े। और अभी देखो रॉड लगने के बाद कैसा लग रहा है लुक, अभी मेसी नहीं लग रहा है ना, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस अभी थोड़ा सा ये काम वाम के चक्कर में इधर के काम चल रहा है, तो थोड़ा सा ये टाइल्स का मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, टाइल्स बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है इधर की, तो इधर की क्या मतलब पूरी ही जगह की बाहर वॉल कंपाउंड की टाइल्स बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है, तो इसे अभी क्लीन करना है, मतलब अभी नहीं होगा ये क्लीन, ये तो बाद में होगा, जब इधर का काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद सारा क्लीन होगा, और फिर हम लोग अच्छे से मतलब ये टाइल्स का कलर दिखेगा हम लोगों को। गाइज यहाँ पर हम लोग ऊपर आए हैं माही के रूम में, और ये जो कर्टन्स है लगाना बाकी था, और रॉड एक रॉड थोड़ा सा छोटा हो रहा है और एक रॉड थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो जो विंडो का रॉड है वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो उसे काटना पड़ेगा, और जो डोर का रॉड है, जो गैलरी का डोर है, उसका रॉड बड़ा मतलब सॉरी छोटा हो रहा है, तो उसे पता नहीं अभी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो तो नहीं लगेगा आज। और यहाँ पर हम लोग आलू बुखारे खा रहे थे, अद्विक को ऐसे खुद खाती हूँ ना मैं उसके साथ, तो खाता है अद्विक क्या माही भी ऐसे ही, मतलब इसके लिए हमें खाना पड़ता है उनके साथ बच्चों के साथ, तभी जाके ये फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ एप्पल वगैरह काट लेती हूँ और खुद खाने बैठ जाती हूँ, फिर अद्विक आता है मुझे भी दो, नहीं तो खुद से तो नहीं खाता है, अगर उसको दो ना तो नहीं खाता है, तो इसीलिए उसके साथ खाने लग जाती है, और मुझे आलू बुखारे पसंद भी है। तो यहाँ पर ना बस वो रॉड काटने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअली जब सुबह भैया थे ना तब उनके पास कटर था, तो उस टाइम याद नहीं आया कि हमें ये लगवाना है, और अभी याद आ रहा है, तो अभी ये देखो काट लिया है इन्होंने रॉड, और अभी देखो कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं माही के भी और मेरे रूम के भी कर्टन्स, और माही भी बहुत ज़्यादा खुश है, उसे ऐसे ही चाहिए थे, और इसके ऊपर उसे फेरी लाइट लगानी है, तो उससे ना उसके रूम का लुक ही चेंज हो जाएगा।
तो गाइज यहाँ पर बारिश हो रही है और काफी दिनों से बारिश नहीं थी और अभी बारिश स्टार्ट हो गई, मतलब 3-4 दिनों से कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है। अच्छा लग रहा है, अभी मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। और हाँ, ऊपर का काम हो गया है, कर्टन्स लग गए, मतलब एक ही रॉड लगा है, एक रॉड नहीं लगाया है अभी तक। तो वही रॉड कैसा लग रहा है, मतलब ऊपर के कर्टन्स कैसे लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और सबको अच्छा लग रहा है। तो चलिए गाइज, इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप गाइज आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आप चाहो तो मुझे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप सब्सक्राइब का रेड बटन में दबाओगे ना, उसके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे दबाना मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिलेगी और इसे आप सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय, ध्यान रखना अपना।